अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। इस ईद के मौके पर हम आज बनाएंगे शीर खुरमा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम सामग्री देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून देसी घी, 1/2 कप सेवैयाँ, 1/2 कप शुगर, 1 टीस्पून चारोली, थोड़ा सा सेफ्रन, 20 पिस्ता, 4 छुआरे, 20 बादाम, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 लीटर दूध। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई में हम सबसे पहले डाल देंगे ये दूध। दूध को हमें गर्म कर लेना है। और इसी के साथ में हम डाल देंगे ये सैफरन, ताकि ये इसमें ये जो अपना कलर भी छोड़ेगा और अच्छा सा इसमें खुशबू भी आएगी। इसे हिला लेते हैं। ये दूध को हम दूसरी तरफ रख देते हैं। और इस तरफ हम अपनी सेवैयाँ जो है, सेवैयों को भून लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें घी। ये मैंने देसी घी लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा घी। और इसी के साथ में डाल दूंगी मैं ये सेवैयाँ। इसे थोड़ा सा हमें सेक लेना है सेवैयों को। दूध को भी हम संभालते रहें ताकि हमारा नीचे ना लगे दूध। सैफरन पहले डालने से इसका कलर भी अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये सेवैयों के साथ में ही हम ये जो बादाम और पिस्ता और ये हमने चॉप करके जो रखे हैं, ये भी हम साथ में ही फ्राई कर लेंगे। पिस्ता को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसके स्लाइस कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे साथ में ही। ये भी डाल देती हूँ इसमें। साथ में ही डाल दूंगी मैं ये छुआरे। छुआरों को भी मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे पीसेस में इस तरह से काट लिया है। इसी के साथ डाल देंगे हम ये बादाम। बादाम को भी मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया था बॉईल करके। ये भी डाल देंगे साथ में। इन सबको साथ में ही हमें फ्राई कर लेना है। दूध को भी हम देख लेते हैं। ये दूध भी हमारा गर्म हो गया है। ये गर्म हो गया है, इसे तो हम बंद कर देते हैं दूध का। इस सेवैयों को अच्छे से भून लेते हैं इसको। इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी ये चारोली। जब अच्छे से इसमें खुशबू आने लगे, उस स्टेज पे हम डाल देंगे अब ये दूध। अब ये दूध डाल देते हैं हम इसमें। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा हम इस दूध को रिड्यूस करेंगे। इसी के साथ में मैं डाल दूंगी ये इलायची का पाउडर। शीर खुरमे को आप 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। कोई तो इसे पतला पतला सा पीना पसंद करता है और कोई इसे थोड़ा सा गाढ़ा करके खाना, जैसे चम्मच से खाते हैं उस तरह से पसंद करता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे खाना चाहते हैं। आप उस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ये देखिए, खीर अच्छी गाढ़ी हो गई हमारी। अब धीरे धीरे ये और भी गाढ़ी होगी। अगर आपकी खीर ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें और दूध भी मिला सकते हैं। गैस कर देते हैं बंद। ये खीर हमारी तैयार हो गई है। इसे मैं निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में।
अब हम इसे पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। और थोड़े से बादाम भी। तैयार हो गई हमारी शीर खुरमा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नई रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ इन शमी बियॉन्ड द प्लेट। तब तक के लिए बाय बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड कीप कुकिंग।